One, two, three, four, five, six, seven, eight. डंबल के जो सेट है हमारे वो तीन मुकम्मल हो गए हैं। थ्री सेट लगाए हैं मैंने, पहला 12 का लगाया, दूसरा 10 का लगाया है और तीसरा 8 का लगाया है। अब डंबल्स के बाद हमने नीचे बेंच लगाना है, ये बाइसेप में आता है। अक्सर जो से होते हैं वो पूछते हैं कि हमने ये लेंथ बड़ी करनी है फ्रंट की, अक्सर लोग इसको गोली का सेट भी कहते हैं। और ये आपकी फ्रंट वाले जो सा मसल्स होता है ना बाइसेप का, उसको गेन करता है। अगर आप इसमें वेट कम लगा के रेपिटेशन ज़्यादा लगाएंगे तो ये मसल आपका गेन नहीं होगा। आपने भी मसल गेन करना है, इसको हैवी से हैवी लगाना है। और अक्सर लोग इसमें भी मसला होता है, वो पूछते हैं कि सर इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। तो इसका मैं प्रॉपर आपको एंगल बता देता हूँ कि यहाँ ये किसका जगह से पकड़ना है और इसको किस तरह लगाना है। इसको कोशिश किया करें आप ई जेड रॉड पे लगाया करें, ई जेड रॉड इसके लिए बेस्ट है। इसकी ग्रिप यहाँ से होती है और बिल्कुल आपने स्ट्रेट उठाना है और स्ट्रेट नीचे जाना है। अक्सर जो से होते हैं यहाँ से वापस आ रहे होते हैं, नहीं आपने पूरा नीचे जाना है। ये आपका पूरा सेट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। आपने इसी सेट को इसी तरह इसके 12 रैप मुकम्मल करने, आपने पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर की तरफ बंद हो गया। हाफ सेट नहीं होता ये वाला, अक्सर लोग इसको ऐसे करके लगा रहे होते हैं, ये सेट नहीं है। आपने अपनी सीट इसलिए सीट बनी हुई कि आपने सीट पे बैठना है, आपने इस सीट पे बैठना है। इसको आपने अप करना है डाउन करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने सीट पे बैठना है। बाजों को इधर रखना है, कुछ लोग होते हाथ उठा उठा के अंदर की तरफ ढकेल लेते हैं, वो ऐसे नहीं। आपके एल्बो आपके बाइसेप के लेवल पे हो, आपने ये जाना है और इसी तरह पूरा ऊपर आना है ताकि आपका बाइसेप की जो पावर है, मसल में जो पावर है वो कैम रहे इसके अंदर। ये नहीं कि आप हाफ हाफ लगा रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपकी ये लेंथ मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से आपका बाइसेप छोटा लगता है। और ये हमारा एक सेट हो गया है, अब हमने दूसरा सेट लगाना है। तो पहला सेट जैसे आपको मैंने बताया कि गेन करने के लिए आपको पहले 12, दूसरे में आप वेट बढ़ा लें 10, तीसरे में ओवर वेट बढ़ा लें ताकि आपसे 8 लगे। ये अब हमारा दूसरा सेट है, मैं दोबारा से आपको एंगल बता देता हूँ। यहाँ से आपने ग्रिप करनी है, दूसरी यहाँ से करनी है और स्ट्रेट उठाना है, वन टू और जाना पूरा नीचे आइए देखिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये हमारे टू सेट मुकम्मल हो गए, तो मैं अब इसमें तीसरे सेट में वेट बढ़ाऊंगा। बेसिकली इसको ई जेड बॉड कहते हैं। आपने दलिया ले लिया, उसके बाद आपने मिल्क शेक ले लेना है, एप्पल का मिल्क शेक ले लें, बनाना का ले लें। उसके बाद दोपहर में आपने खाने में आप 3 दिन मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। एक दिन छोड़ के एक दिन आप ले सकते हैं, आप उसके साथ राइस ले सकते हैं
और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपने खाने पीने में, और पानी का टेक आपने बहुत ज़्यादा करना है, पानी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये आपका जो सा होगा लंच हो गया। और अब हमारा तीसरा सेट है, अब हमारा जो तीसरा सेट है ये हमने होल बॉडी कर दी है। पहला 10 लगाया, दूसरा जो सा है 20 kg, फिर तीसरा जो सा है वो हमारा 30 का आ गया। और इसके हमने 8 रैप निकालने हैं कि 8 रैप हमसे मुश्किल लगे, ईजी ना लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके हमारे 8 सेट हो गए, 8 हमने लगा लिए, 3 सेट मुकम्मल हो गए। ये पिछले बेंच था, और इसके बाद बाइसेप की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं। ये लाजमी नहीं होता कि आप रनिंग बार के बाद डंबल ही लगाएं, डंबल के बाद प्रेशर लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह करना है। कॉर्डिंग लॉग आपने कर लिया, आप डबल डंबल कर लें, आप डंबल सिंगल डंबल कर लें, आप प्रेशर कर लें, और प्रेशर पे सिंगल डंबल्स भी लगते हैं। ये 1x1 लगते हैं डंबल्स के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसका भी प्रॉपर एंगल ये है कि आपने बाइसेप को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारा 1 सेट हुआ। ये 10 kg है, इजी लग रहा है मेरे से काफ़ी, तो आप इसमें वेट बढ़ाएं ताकि आपसे इजी ना लगे। अब हमने 12 kg का लगाना है, ये हमारा दूसरा सेट है इसका, ये हमने 10 करने हैं। और दोपहर खाने में आपने चिकन ले लें, एक दिन चिकन ले लें, एक दिन बीफ ले लें, एक दिन मटन ले लें, ताकि आपका टेस्ट ख़राब ना हो, आपसे इजी खाया जाए। तो कोशिश किया करें अपने खाने को घी वगैरह से प्रेस किया करें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है, आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और घी वगैरह से आप प्रेस किया करें, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। और दोपहर खाने में आपने लाजमी सलाद का इस्तेमाल करना है, आप सलाद को लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। और 3 बजे के करीब आप स्वीट पोटैटो खाना चाह रहे हैं तो वो खा लें, पोटैटो लेना चाह रहे हैं, आलू खाना चाह रहे हैं, चिप्स खाना चाह रहे हैं उसके, आप वो भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी ले सकते हैं आप दूध में। अब हमारा दूसरा सेट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आप दूसरे अड्डे हमने 10 लगाए हैं, और एंगल आप देख रहे हैं कि एंगल को बिल्कुल इस तरह रखना है, आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट है, और आपका पूरा हैंड पूरा ओपन हो, अप जाना है और पूरा ऊपर की तरफ आप आ गया आपका, अब पूरा डोंट जाना नीचे की तरफ, ये इस तरह लगाना है, 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बहुत टफ हो गया। इसी तरह आपने सेट लगाने के लिए कोशिश किया करें कि हेल्प बहुत ज्यादा नहीं लेनी आपने, बहुत कम हेल्प लेनी आपने। ज्यादा कोशिश किया करें आप वो वेट उठाएं जो आप खुद लगा सकें। लाजमी नहीं कि आपने हैवी वेट डाल डाल के हेल्प ले लेके लगाना है। आपको इतनी हेल्प नहीं चाहिए, आपको उतनी हेल्प चाहिए जितनी आप ले सकते हैं। मसलन कि लास्ट वाले रैप्स में आपसे एक दो नहीं लग रहे, तो आप उसमें हेल्प ले लें, एक ले लें, दो ले लें। ये नहीं कि आपने पहले ये इतना हैवी वेट किया हुआ कि आपसे पहला सेट भी नहीं लग रहा, ठीक है ना, पहला सेट नहीं लग रहा। आपने कम से कम आपके 5-6 रैप्स खुद लगे, लास्ट में 2 आ जाते हैं, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। आप स्टार्ट में हेल्प नहीं ले। अब ये हमारा तीसरा सेट है और इसके 10 रैप्स में से बड़े मुश्किल लगे हैं, तो इसलिए मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास कोई हेल्प देने वाला भी नहीं है, कोई हेल्प दे सके। ये हमारा तीसरा सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह हमारे 3 सेट मुकम्मल हो गए। ये पिक्चर नंबर था जो पहले हमने लगाया, वो पिक्चर बार थी, ये पिक्चर नंबर था। और